जब से हमने अपना व्लॉग्स क्या डाले, जब से फेस रील वीडियो क्या डाली, सब लोग कह रहे थे भाई कौन सी कार चला दो, कभी आप थार चला दो, कभी वाइट वाली गाड़ी चला दो, प्लीज़ कार का कलेक्शन दिखाओ। मैंने कहा क्यों नहीं भाई, जो सबसे पहली गाड़ी जो हमने देखी थी अपनी फेस रील वीडियो में वो है ये अपनी ब्लैक थार। उस टाइम पर आप ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि नंबर नहीं आया हुआ था, अभी नंबर आ गया इसमें एकदम कड़क वाला बैच 99। तो नंबर भी भाई हमने डेंजर वाला डाला है 9999। उस टाइम पर एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी थी गाइस अपनी, तो नंबर वगैरह नहीं लगा था, अभी हमने उसमें नंबर लगा दिया है। हो गए लगभग नहीं 2-3 महीने हो गए होंगे गाड़ी को, अभी वैसे हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करे नहीं है, बट आप लोग हमको सजेस्ट कर सकते हैं गाइस कौन से मॉडिफिकेशन करना, क्योंकि थार जानी उसके लिए जाती है। देखो अभी तो फिलहाल हमने खाली इसमें एक ये लगा रखा छत, अपने छोटे भाई की है सिवान की गाड़ी, एकदम हैवी ड्राइविंग, अभी इसकी हम ड्राइविंग दिखाएंगे, एकदम कड़क गाड़ी चलाता है, इससे खतरनाक कोई ड्राइवर आपने देखा ही नहीं होगा आज तक पहाड़ों का। इसके बाद हमारी अगली गाड़ी आती है टाटा हैरियर, जो सबसे पहले हमने खरीदी थी, सबसे पुरानी गाड़ी हमारी, सबसे पुरानी क्या मतलब एक साल ही हुआ है अभी इसको। वैसे आप लोग कह रहे हो गैस भैज भाई आपने अभी तक कोई सुपर कार क्यों नहीं लिया है, देखो ऐसा नहीं कि हमको सुपर कार पसंद नहीं है, बस ये कि देखो हम लोग आते हैं सीधे पहाड़ से और यहाँ की रोडें कुछ सूटेबल होती नहीं सुपर कार की वजह से, तो यहाँ पे जो असली दबदबा चलता है ना वो चलता है एसयूवी गाड़ियों का, जिसका ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भाई एसयूवी गाड़ियाँ ही लेते हैं। और इसके बाद गाइस हमारी अगली गाड़ी आती है थार, जो हमने हैरियर के बाद जो अगली गाड़ी ली थी ना 2-3 महीने बाद हमने ले ली थी, ये है हमारी मैनुअल थार और वो थी हमारी ऑटोमेटिक ब्लैक वाली। तो अभी हम इसकी रेस भी करने वाले हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा आज की वीडियो में। तो इसके हमने इसे इंटीरियर में ज़्यादा मॉडिफिकेशंस कराए, देखो इसका नंबर भी गाइस देख सकते हैं 8888, हैरियर का है 5555 और ब्लैक थार का है 9999। वैसे हाँ इसमें इस वाली मैनुअल वाली थार में ना हमने मॉडिफिकेशंस करवाए हैं अंदर से, वैसे तो आप बाहर से टैटू वगैरह देख रहे हो फुल एडवेंचरस कुमाऊँ एकदम लिखा है, भाई पहाड़ से आते सीधे नैनीताल से तो अपना कुमाऊँ का टैटू बहुत ज़रूरी है। और इंटीरियर में दिखा देते हैं आपको, तो ये है हमारे थार के ड्राइवर चुन्नू भाई, इनसे मैंने कहा था भाई ये मॉडिफिकेशन क्या है, इन्होंने कहा कि यार इसमें वैसे मॉडिफिकेशन नहीं होते लग्जरी वाले, क्योंकि हमने हैरियर पे कंपटीशन लगा था ना, हैरियर तो आती है एसयूवी उसमें है, तो इन्होंने कहा क्यों नहीं होती है, तो इसने अंदर से पूरी मॉडिफिकेशन करवा दी है। ये देखो आम रेस्टर ऐसी थार में कोई थार में नहीं दिखा होगा, और बैक सीट इसी काफ़ी कंफर्टेबल बना दिया, अभी आपको दिखाते हैं। भाई का फोकस था कि जितनी कंफर्टेबल थार हो उतना बढ़िया, क्योंकि देखो थार उतनी कंफर्टेबल होती नहीं है क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है, बट भाई ने इंटीरियर इतना गजब बना रखा है, ये देखो आम रेस्टर एकदम फर्स्ट क्लास बैठा रहो, चौड़ में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बैक सीट देखो, सब लोग बोलते हैं कि थार की बैक सीट कंफर्टेबल नहीं है, देखो भाई ने बिल्कुल यहाँ पे भी आम रेस्टर लगा दिया बढ़िया करके, और यहाँ पे हम अपने फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी दोनों थार गाइस आती है 4x4 से, अब तो वैसे 2x4 भी आ गई है, बट अपनी है 4x4। अब चलो इसके साथ रेस लगाते हैं, मज़ा आ जाएगा, एकदम ड्रैग रेसिंग करेंगे ताबड़तोड़ वाली। लौंडे मोटे हमारे साथ इकट्ठा हो गए, लौंडे मोटे आ जाओ, ठीक है कहा यार लड़कियां नहीं क्या। तो गाइस अब हम लोग करने वाले हैं बहुत ही क्रेजी रेसिंग, एक से बढ़कर एक हैवी ड्राइवर है। तो अभी हैरियर ऑटोमेटिक थार और मैनुअल थार का कॉम्पिटिशन करेंगे, मज़ा आ जाएगा भाई ड्रैग रेस में। रेडियो भाई लोग गाइस, तो ये है हमारा आज का ट्रैक जहाँ पे हम लोग सबसे पहला राउंड करने वाले हैं टाटा हैरियर वर्सेस मैनुअल थार। सेफ्टी का हमने पूरा ध्यान रखा है दोस्तों, तो आप लोग इसको घर में ट्राई मत करना, हमारे वहाँ तो पूरी रोड खाली है और हर मोड़ में हमने अपना एक एक भाई पे रखा है जो हमको अपडेट करते रखा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो। तो चलो यार शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड और 3 हॉर्न के बाद हमारी रेस शुरू होगी। गड़दा गड़दा हो गया गाइस,
वो भी थार आगे चल लिया गाइस, तगड़ा पिकअप है थार का, लगता रहा कि थार जीतेगी, लेकिन ये क्या, ओ भाई हैरियर बाद में पिकअप बहुत तगड़ा दे रही है, आगे बढ़ गई। चलो चलो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ भाई साहब मस्त था भाई। पहले तो गाइस थार आगे बढ़ गई थी, लेकिन बाद में हैरियर ने बहुत तगड़ा पिकअप दिया भाई, ब्रेक मार ले। चलो गाइस एक और राउंड करेंगे इसका, अभी हमने डाउन में चढ़ाई थी, अब हम चढ़ाई में तोड़ेंगे, फिर देखते हैं कौन जीता राउंड। इस बार भी दोस्तों सीधे तीन हॉर्न बजा के हम लोग रेस शुरू करेंगे। अबे यार स्टीयरिंग गाइस मेरा सीधा नहीं था, निकल गई थार आगे। तो थार यहाँ पे जीतती हुई और सेकंड नंबर पे आती हुई हमारी हैरियर, ये राउंड थार ले गई। ओके तो चलो गाइस इस वाले राउंड में ना हम लोग ड्राइवर चेंज करके देखते हैं, मैं चलाऊंगा इस बार मैनुअल थार और चुन्नू भाई चलाएंगे हमारी वाइट हैरियर, फिर देखते हैं गाइस कौन जीता, क्योंकि कभी कभी ना ड्राइवर का भी बहुत फर्क पड़ता है। चलो गाइस अभी हम लोग थार में आ गए हैं। इस राउंड के बाद गाइस जो हमारा असली किंग अभी हमने छिपा के रखा है ना, ब्लैक थार, ओ भाई वो तो क्या ही भागती है। तो इसके बाद ब्लैक थार का कॉम्पिटिशन करवाएंगे और फिर देखते हैं भाई कैसी होगी रेस। फिलहाल वी आर ऑल सेट दोस्तों, गाड़ियाँ लग गई है एकदम लाइन पे, तीन हॉर्न बजाते ही रेस पकड़ेंगे। परफेक्ट लॉन्च, फिलहाल दोनों बराबरी में चल रहे हैं। ओह क्या भाग रही है ये हैरियर, अरे भाई साहब एक तरफा। गजब भाई। चलो यार गाइस अब वक्त आ गया अपने छुपे रुस्तम द बीस्ट ऑटोमेटिक ब्लैक थार को बाहर निकालने का, फिर देखते हैं गाइस कौन जीता है। इसके पहले हम वर्सेस करेंगे मैनुअल थार से और इसके बाद लास्ट में होगा बेस्ट वर्सेस बेस्ट, हैरियर वर्सेस ऑटोमेटिक थार, बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा भाई, मजा आएगा। ऑलराइट गाइस तो फटाफट से रेस शुरू करते हैं। ऑटोमेटिक थार में गियर खुद ब खुद बदल जाता है, हमको बस स्कूटी की तरह रेस दबानी पड़ती है, बाकी गियर खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं, और मैनुअल गाड़ी में हमें खुद एक एक करके गियर चेंज करने पड़ते हैं। तो देखते हैं गाइस कौन जीतता है ये वाला राउंड। गो परफेक्ट लॉन्च, हवा से बातें करते हुए। ओ भाई साहब यहाँ पे ऑटोमेटिक था ना गाइस, देखो लीड लेना शुरू कर दिया और एक तरफा लीड ले रही है, तो भाई साहब एक तरफा ही भाग रही है, क्रेजी भाई क्या भाग रही है गाड़ी। चलो गाइस अब इनका आखिरी राउंड होगा चढ़ाई में रेस, और जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा हमारी हैरियर से, लेट्स गो। गो अरे भाई स्टार्टिंग में ही तगड़ी लीड ली है ब्लैक थार ने, गजब ही भाग रही यार ये गाड़ी। चलो गाइस फाइनली वो वक्त आ गया जब होने वाला है बेस्ट वर्सेस बेस्ट, यानी कि हैरियर वर्सेस ऑटोमेटिक थार, देखते हैं कौन जीतेगा। गाइस वैसे आप लोगों की फेवरेट गाड़ी कौन सी है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लड़का वहां से 3-2-1 बोला गया गाइस, उसके बाद हम लोग अपनी रेस शुरू करेंगे। 3-2-1 खुशी का कोई ठिकाना भाई, कैसा लग रहा है जीत के? एक तरफा मुकाबला है, एक तरफा ऐसा बोल के मजा नहीं आया यार, कोई कंपटीशन ही नहीं है बोल। अरे ऐसी बात थोड़ी ना है, अपनी अपनी जगह है दोनों। कमेंट करो कौन है अच्छा ड्राइवर बेस्ट 99 की। अभी तो हमने ये बाइक से रेजी नहीं करी भाई, बाइक से करते तो कौन ये वाले देखिए 250 cc का इंजन, 411 का है, 3.5 lakh की तेरा घर जाएगा। चलो यार गाइस आज की वीडियो के लिए फिलहाल बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो में मजा आया गाइस तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
देखिए गाइस ये क्या आ चुका है धुआं धुआं करने के लिए। पहले इसको खाली एक को टेस्ट करते हैं, धुआं हुआ करूंगा तो बिल्कुल ऐसे कैमरा जा रहा है बाहर आ रहा है। तो ये डायरेक्ट कम डायरेक्टर एक्टर कम डायरेक्टर भी है सर हमारे। भाई पटाखा तो नहीं फूट जाएगा ना, पता चला खड़ा है, पता चला टायर बढ़िया और मिलियन व्यूज आके वापस पैसा आ जाएगा। ये है क्या कर रहा है? भाई तो आगे में